राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 10 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल। राम भगवान ने मनुष्य दिया है क्यों उद्धार करने के लिए, ये बात भूल गए। कमाने खाने में लग गए, रुपया इकट्ठे करना, भोग भोगना, यही तनु का फल विषय है भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। शरीर की प्राप्ति आगाड़ी करेंगे तो शरीर का उस फल पर अंत होता ही, उसके लिए भी ये नहीं है। ये तो केवल उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, इससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए कभी किंचन मात्र भी दुख ना हो, ऐसे परम आनंद के लिए ये मानव शरीर मिला है। केवल इस बात को याद रखे तो बड़े लाभ की बात है। ये मनुष्य शरीर मामूली काम के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस वास्ते इसका फल असली परमात्मा की प्राप्ति है। ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है। ये भोग भोगने के लिए नहीं, रुपये इकट्ठा करने के लिए नहीं, संसार का सुख देने के लिए नहीं, मान बढ़ाई आदर सत्कार के लिए नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ये नहीं मिला है। क्योंकि दूसरे शरीरों से परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, मना नहीं है। किसी शरीर में भी भगवत प्राप्ति की मना नहीं है, परंतु योग्यता और शरीर में नहीं है, अधिकार इसी शरीर को ही है। ये एक शरीर, एक ही भोग भोगने के लिए बोले बहुत शरीर है, 44 लाख जो नहीं है, सब में भोग तैयार। संसार का सुख तो सबसे मिलेगा, परंतु परमात्मा होना तो केवल इस शरीर में होगी। यागर नहीं है, देवताओं में भी नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों में भी नहीं है, मरु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, जलधरों में नहीं है, तजरों में नहीं है, नवधरों में नहीं। परमात्मा के प्राप्ति का मौका इसी में है, इसी एक में खास बात है। इसीलिए तत्परता से लग जाना चाहिए एकदम। अरे भाई मेरे घोषणा आएंगे, इसमें देरी ना हो। कई बातों की ऐसी विलक्षणता है कि जो पता नहीं लोगों, उस पर ध्यान नहीं देते। परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में होगी। इस शरीर में जो शरीर है, ये शरीर, ये शरीर इतना बढ़िया काम कर रही है। इस शरीर में विवेक शक्ति है, सत असत, नित्य अनित्य, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य, दो चीज है, जड़ चेतन, इन दोनों का विवेक करना मुख्य है। इसमें चेतन चेतन चीज है काम की, जड़ चीज में काम की नहीं है। देखिए दुर्लभता विशेष महिमा बताई है, वो केवल विवेक की है। शरीर जो स्थूल है और सूक्ष्म है और कारण है, ये शरीर ही परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शरीर कोई काम का नहीं है, शरीर का मोह है, ये है बंधन करने वाला है।
शरीर जो त्याज्य है, स्थूल सूक्ष्म कान, इसमें जो विवेक शक्ति है वो लेने काम में, जिससे सार असार नित्यानित्य कर्तव्य अकर्तव्य बढ़िया और घटिया दोनों का विवेक होता है। विवेक विवेक में विशेष करके सार चीज तो लेना है, असार चीज का त्याग करना है, वो विवेक शक्ति काम की है, उसी से ऐसी महिमा है। ऐसी महिमा शरीर से नहीं है, शरीर में सा खड़ा हो और माथा खड़ा हो और हाथ लटकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसी महिमा है, उस विवेक शक्ति है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये काम मुख्य है, उसके लिए ये शरीर मिला है। ये तनु कर फल वैसे न भाई, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहली ये बात है कि जड़ता का त्याग करो। ये शरीर है ये त्याज्य है, ये ग्रहण लाई नहीं है। इस वास्ते ये माँ के पेट में तो बना है और बाहर बड़ा बड़ा हुआ है और यही छूट जाएगा, यहाँ छोड़ कर जा रहा है इसको, जो साथ नहीं देना है, ये कोई काम का नहीं है, ये यही रहेगा, ये छोड़ देना है। अपना जो विवेक है उसे अपना अपने आप को अलग कर रहा है, आप है स्वयं परमात्मा का अंश, आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा का शरीर प्रकृति का अंश है, तो शरीर बड़े हुए ही कोई काम का नहीं है। मार्मिक बात है, त्रिलोकी में जितने शब्द है और जितने शरीर है, तीन लोगों में भूत प्रेत पिशाच आदिगिरि मनुष्य पशु पक्षी राक्षस असुर, उनमें कोई चीज अपनी नहीं है, एक तिल जितनी चीज नहीं है, त्रिलोकी में इतनी चीज हमें अपनी चीज हो रही है। ये शरीर में होने वाली चीजें अपनी नहीं है, धन अपना नहीं है, भोग अपने नहीं है, क्रिया अपनी नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, अपने है परमात्मा, जिसका आयुष है वो परमात्मा अपने, उसे कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात ध्यान दे, सुनने नहीं है, विचार समझने की बात है। जिसके आयुष हम है वो परमात्मा हमारे है, उसके सिवाय कोई चीज भी हमारी नहीं, कैसे जितनी चीज भी हमारी नहीं है, त्रिलोकी मात्र में हमारे केवल भगवान, वो केवल हमारे है, हमारे परम पिता परमात्मा है। महिमा सुन जीव लोग ईश्वर सचिव नाशी, वो ईश्वर हमारे है और हमारी चीज नहीं है। मन श्रेष्ठा नहीं यानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, हमारे परमात्मा के हैं, हमारे परम पिता एक हुई है, हमारे एक परमात्मा है, हमारी चीज नहीं है। रुपये पैसे को हमारा मानते हमारा नहीं है, संसार की कोई चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सामान्य चीज है। जैसे मूसा कारखाने में जाकर बैठ जाओ तो मूसा मरकर से चीज हमारी नहीं है, देखो देखो बस, ये संसार की चीज हमारी नहीं है। रुपये इकट्ठा अगर अपना मान लेते हैं बहुत बड़ा धोखा होता है, विश्वासघात होता है, अपनी नहीं है, अपना परमात्मा एक है, परमात्मा अपना है। नारायण बृंदराज कुमार सु बह गई कर पहचान,
उसे पहचान करो वो हमारे है, उसके सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी कोई है ही नहीं, अपने केवल परमात्मा है, वो चीज हमारी नहीं है, एक तरह जितनी चीज भी अपनी नहीं है। ये चीज है जैसे मुसाफिर विचार बैठ गए तो थोड़ी देर बैठना गाड़ी आओ जितने भी गाड़ी चल जाओ, जैसे मुसाफिर खाना संपूर्ण संसार का है ऐसे ये संसार सर्व संसार का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति अपना मान लेते हैं फिर गलती करता है, अपना नहीं, अपने केवल ठाकुर जी भगवान जिसके अंश हम है वो हमारे है, और कोई हमारी चीज है ही नहीं किंचित मात्र भी, त्रिलोक में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है। सबके सार, सबका उत्पन्न करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका प्रबंध करने वाला, सब पर कृपा करने वाला, सब मोरी बराबरी दाया, सब पर दया देने वाले वो एक परमात्मा वाले हैं। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी भरवीन, केवल भगवान भगवान अपने मार बाप भाई स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर हमारा नहीं है। ये कब कैसे अपना है, जैसे गाड़ी अपनी ससमन की गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई, वो हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी गार्ड कौन है, ड्राइवर कौन है पता नहीं, हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी में लौन चले गए बस और उधर गए छोड़ दिया, वो मार पर पता ही नहीं तुम्हारा डब्बा कहाँ है। ऐसे संसारी चीजें अपनी है ऐसी, जैसे रेल अपनी हो गई ऐसे घर में रहते हैं ये कुटुंब साथ है अपना नहीं है, कौन कौन मरेगा कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं कौन मरेगा कहाँ जाएगा पता नहीं, अपनी नहीं है, अपने केवल ठाकुर जी है, ठाकुर जी अपने हैं और सारा बात ठाकुर जी की चीज है, भगवान की है, अपनी कोई नहीं। ये याद रखना चाहिए, अपने केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, वही चेष्टा करनी है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जल्दी से जल्दी, देरी होती है ये गलती की बात है, मरने का पता है नहीं, पेट में मर जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मृत्यु हरदम भूले हरदम इस बार से कब जाना पड़ेगा क्या पता है, तो अपना काम बना देना चाहिए, फिर मरे तो कोई नहीं, राज्य में धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत में फल दे दिया फिर सूख जा तो कोई हद नहीं, फल दे सूखा खेत, खेत फल दिया सूख गया कोई हद नहीं, खेत में जितने प्राप्त होने चाहिए प्राप्त हो जाए थे बस, ऐसे सही मनुष्य मिला है इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर दो फिर कोई बात नहीं है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई जब तक शरीर सफल नहीं हुआ, मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ, भोग भोगना पेग ठहरना दो में काम लगेगा, आज दुनिया दो काम में लगी है, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना बस,
कामोपभोग परमाए तवदिन निश्चिता निश्चित होने इतना ही काम है। परमात्मा प्राप्त करना अपना काम है, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके बाद शरीर मर जाए तो परवाह नहीं, पर पहले मर गया तो बड़ी गलती है, और जो मौका नहीं है इसलिए मौका ही जी। कावर चुकौन सौरसे चुकौन सौरसे अभी मौका चूक गया तो सौरसी काफी होती है, पटकते फिर मौका नहीं है ऐसा विश्वास दे। तुलसी सोईंदर चतुर है जो राम बदल लो लीन, चतुर समझदार बुद्धिमान ये जो भगवान में लग जाए। ये कथा में आ गई ये भी ठीक है, परंतु सजना इतने से कम नहीं है, अपना तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। प्राप्ति के लिए भगवान ने उपाय बता रखे, याद रखो याद रखो एक याद रखो, भगवान से यही कहो हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, याद रखो। तस्मान सर्वे सुखा देश मानो स्वर और युद्ध च, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध का काम कर, मेरे को याद कर, सर्वे सुखा सुखा मनुष्य भगवान को याद करना, नारायण 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 राम 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 महामनुस्मर युद्ध से भगवान का स्मरण करो, शिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है। जब पाँव काम पर रहो जरूरत को तब ताते या सब ही सिट है, नहीं हो कभी भूल गए राम को नाम अभिजूल जो सट तो फिट है। भगवान नाम हे राम जी हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, बात भूलू नहीं और कैसे याद करते ही नहीं, भगवान को याद करते ही नहीं। बींद बिहूरी जान कहो कुण काम की सुंदर बाड़ी बनाता है आदमी, तो मैंने 20-50 आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं, फिर बरात है बरात बेद लगा बिंद भूल गया बिंद भूल गया और कोई कमी नहीं है, रोटी कौन खालेगा, रोटी भोजन मिलना मुश्किल है, बिंद भूल गया साहब, बड़ा काम है उसमें कोई कोई भूल भूल हो जाती है, बड़ा काम है ये भूलना ही चीज है। अरे खास इनके बिना तुम्हारे वो रोटी मुड़ करेगा, ऐसे भजन भूल गए भगवान का भजन, ये तो भेद है खास, इस शरीर का खास काम, परमात्मा को भूल गए क्या किया तुमने, खास ही भूल गए भजन भूल गए भगवान का भजन करना भूल गए, ये बरात भूल गए था बरात भूल गई तो सब चीज लगे आना बजाय बड़ी सब खास चीज है, भगवान को याद करना हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु प्रार्थना यही करोगे हे नाथ भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं हे परमात्मा भूलो नहीं। तस्मात सर्वे सुखालेषु मामनुस्मरण, तस्मात सर्वे सुखालेषु सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध च काम नहीं करो करेगा, परंतु युद्ध च है वो करो, खास सर्वे सुखालेषु मामनुस्मरण
भगवान को याद करना। भाइयों बहनों मौका है, मौका ये चूक है तो फिर शुक्र चौरासी कोई ठिकाना नहीं, कहां जा पड़ेगा। वृक्ष से पत्ता टूट गया, टूट गया कहां पड़ेगा कुछ पता नहीं, फिर उस वृक्ष पर लगेगा नहीं, वो तो कोई ठिकाना नहीं। यार जाएंगे कहां जाएंगे, क्या होगा तो पता नहीं। तू रमते तो न पते मृत्यु यापन से कल्याण करने के लिए जल्दी जल्दी करो। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मरण, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम 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 प्रभु भगवान को याद करो भाई। और कोई अपना है नहीं संसार में, ममई वंश हो जीव लोके, परम पिता परमेश्वर है, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर दया कर बुलाओ, उस परमात्मा को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, उसे स्वयं मरा कोई नहीं। अब प्यार करने वाले स्नेह करने वाले सब के सब छोड़ देंगे, सब के सब ही छोड़ देंगे, कोई अपना है ही नहीं। अपने केवल भगवान है, प्राण चले तो ये ऊपर ढूल है, जैसे बादल धनी के बीते जा तो सृजन करो हरिशे। भगवान से प्रेम करो भाई, वो अपना है। दिन जा रहे हैं, बहुत से दिन कर चले गए भाई, आज दिन तक अगर भजन करते तो ऐसे साल नहीं रहते बिल्कुल। अब भी भजन करो, लग जाओ चतुर समझदार वही आदमी है जो भजन में लग जाए। सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, स्मरण करो और युद्ध करो। सतगुरु दे रहा हेला, राम सुमर ले रे मन गला, भगवान याद करो। और कोई अपना है नहीं संसार, मेरा मेरा कहने वाले है, अपना कोई नहीं है, एक भगवान है वे, वे याद आवेगा दुख संताप जन में, एक भगवान है। और भगवान को याद करो सब समय में, उठते बैठते खोते सोते खाते पीते, उठते बैठते गए जागत गए सोए, हरिया जिन घर राम जी कब प्रकट हुए, उठते बैठते गए जागत जी गए सोए, हरिया जिन घर राम जी कब प्रकट हुए, प्रकट हो जाए भगवान। एक भगवान को याद हो, एक नारायण 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 नारायण।